नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ना अब महंगा हो गया है। बिहार सरकार ने स्कूल की कई सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। ये शुल्क वृद्धि 2 गुना से 4 गुना तक की गई है। सरकार के इस फैसले से गरीब छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने बिजली बिल से लेकर आईडी कार्ड बनवाने तक के शुल्क को सीधे 2 गुना कर दिया है। प्रवेश शुल्क 15 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को परिचय पत्र के लिए भी 20 रुपए शुल्क देय होंगे, जो पहले मुफ्त में मिलते थे। माध्यमिक में फॉर्म और प्रोस्पेक्टस के लिए भी अब 50 रुपए शुल्क देने होंगे, जो पहले मुफ्त में मुहैया कराई जाती थी। विकास शुल्क के नाम पर माध्यमिक विद्यालयों में तो फीस वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन विकास शुल्क को 80 से बढ़ाकर 160 रुपए से 200 रुपए कर दिया गया है। वैसे माध्यमिक स्कूलों में पुनः प्रवेश शुल्क और पलायन शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक मनोरंजन शुल्क में भी इजाफा करते हुए 10 रुपए से बढ़ाकर इसे 20 रुपया कर दिया गया है, जबकि विद्यालय रखरखाव के लिए अलग से 50 रुपए शुल्क तय किए गए हैं। उच्च माध्यमिक की बात करें तो यहां मनोरंजन शुल्क को 3 गुना बढ़ाते हुए 60 रुपए किया गया है, जबकि विद्युत शुल्क को 60 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया है। वैसे रखरखाव शुल्क में बदलाव नहीं करते हुए 150 रुपए ही रखा गया है। शिक्षा विभाग ने इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। माध्यमिक विद्यालय में अनुपस्थिति और विलंब शुल्क दंड को खत्म कर दिया गया है। पहले लेट आने वाले बच्चों को और स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को 1 रुपया दंड भरना होता था। इसी तरह मिडिल स्कूल में री एडमिशन यानी कि पुनः प्रवेश शुल्क को खत्म कर दिया गया है। इसके लिए अब पैसा नहीं देना होगा। हाई स्कूल में पलायन शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्यों को अब और ज्यादा राशि खर्च करने की शक्ति प्रदान की गई है, और अब प्राचार्य सालाना 2.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। जो मापदंड तय किया गया है उसके मुताबिक अब 500 तक विद्यार्थियों पर सालाना 1.5 लाख से अधिक पर 2 लाख और 750 से अधिक संख्या वाले प्राचार्य सालाना 2.5 लाख खर्च कर सकेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से अन्य कई चीजों में सरकारी विभाग में शुल्क बढ़ाया गया है, शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में कई चीजों में शुल्क बढ़ोतरी की है, जिसको देखते हुए ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि अब सरकार ने शायद ये ठान लिया है कि जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते थे, या फिर यूं कहें कि जिन गरीब बच्चों के पास सक्षम हालत नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, ऐसे बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्योंकि बिहार में शिक्षा विभाग ने जो फैसला सुनाया है और जिस प्रकार शुल्क वृद्धि की है, इससे बिहार में चौपट शिक्षा व्यवस्था की पोल तो खुल ही रही है। इसके साथ ही ये भी अब कहा जाने लगा है कि गरीब बच्चों के ऊपर भी सरकार महंगाई की मार का बोझ डाल रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये भी है कि बिहार में सरकारी स्कूलों में पहले से कहीं ज्यादा कई शुल्कों में वृद्धि हो जाने के बाद छात्रों की क्या मनोदशा होती है, या फिर यूं कहें कि जनसंख्या कितनी होती है स्कूलों में, क्योंकि पहले से ही सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है। अब ऐसे में सरकार द्वारा शुल्क वृद्धि किए जाने के बाद कई छात्र तो ऐसे भी हैं जो स्कूल आएंगे ही नहीं। ऐसे में बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस ओर अग्रसर है, ये आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।